lot of the show. Actually, the producers, I mean, Nandita Mehra and Bhairavi Raichura, the producers, and both are very dear friend of mine. और नंदिता जी के साथ मैं पहले एक आध जगह कहीं पे मिला था, तो शी सेड, एंड शी इज़ क्वाइट अ सीजन डायरेक्टर इन आर टीवी इंडस्ट्री, सो शी सेड दैट ऋषि आई वुड लाइक टू वर्क विद यू. एंड आई वॉज एम्बेरस्ड, आई सेड कि मैम आप क्या बोल रहे हो, मतलब आई वुड लव टू वर्क विद यू. और उसके बाद 1 महीने के अंदर ही उनके यहाँ से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि एक ऑडिशन दे दो जाके वहाँ पे. और 1 हफ्ते के बाद मुझे एक डिफरेंट रोल के लिए कास्ट कर लिया गया. अब पता ये चला कि वो रोल जो है वो एक्चुअली शुरू में था ही नहीं. वो रोल एक कॉप का जो रोल है वो रोल एक लड़की का था, क्योंकि ये हमारी एक मैक्सिकन सीरीज से लिया गया है ये शो, उसके कॉपीराइट लेके. तो उस मैक्सिकन शो में जो रोल मैं इस हिंदुस्तानी सीरीज में कर रहा हूँ उसमें एक लड़की ने किया था. तो किस तरह से उस लड़की के कैरेक्टर को चेंज किया गया लड़के में ताकि मैं ऑन बोर्ड आ सकूँ, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. और अगर मुझे भैरवी रायचूरा, जिनकी मतलब जो काफ़ी समय पहले से मुझसे काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं और कमाल की एक्ट्रेस हैं, अगर वो मुझे बोलती हैं कि ऋषि आई वॉन्ट यू टू बी ऑन बोर्ड बिकॉज आई एम योर फैन, सो आई फील रियली गुड, मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए. आई वॉज शॉक्ड एक्चुअली, बिकॉज हमें पता ही नहीं था कि कौन करने वाला है वो रोल. और भाग्यश्री इज़ अ सीजन्ड एक्ट्रेस, और इतने सालों के बाद वापस टीवी करना या वापस एक्टिंग में आना, मतलब उनके बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं और शी इज़ बीन सच अ बिग स्टार. हम तो मैंने प्यार किया देख देख के बड़े हुए हैं, उसके गाने सुन सुन के हम तो बड़े हुए हैं. तो उनके साथ काम करना इस आई मीन नॉट ओनली भाग्यश्री, एक्चुअली आई आई लव राजेश्वरी सचदेवा ऑल्सो. राजेश्वरी सचदेवा शी इज सच ए फेबुलस एक्ट्रेस. सी, मेरा इस कैरेक्टर को करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि मैं अपनी इमेज चेंज करना चाहता था. इसके पहले मुझे जो रोल मिले, जो छोटी बहू में मैंने किया या जो मैंने सास बिना ससुराल में किया, जो फेमस शोज थे मेरे, उसमें मुझे हमेशा सीधा साधा भगवान भक्त इस तरह के रोल मिलते रहे. और लोगों को हमेशा यही लगता रहा कि मैं इस तरह का ही हूँ, ऋषि इज़ वेद प्रकाश चतुर्वेदी. बट ऋषि इज़ नॉट वेद प्रकाश चतुर्वेदी, ऋषि इज़ जस्ट एन एक्टर और एन एक्टर, नॉट जस्ट एन एक्टर. एक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे हिसाब से. तो मैं और डिफरेंट रोल करना चाहता था, मैं कुछ डिफरेंट लुक चाहता था. तो जब मुझे कॉप का रोल ऑफर हुआ, दो आई वुड लव कि अगर वो कॉप ड्रेस में होता तो, बट दीज आर स्पेशल कॉप्स तो वो ड्रेस में नहीं है. तो मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था अपनी इमेज चेंज करना, जो कि हो रही है. बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है और इमेज मुझे लगता है कि मैं ख़त्म कर पाया, डेफिनेटली ख़त्म कर पाया. मतलब और भी कई सारे रोल किए मैंने इसके अलावा बीच में, जैसे मुझे नेगेटिव रोल करना बहुत पसंद है तो वो भी करने का मौका मिला मुझे बीच बीच में. तो इनफैक्ट जो मेरे फैंस, जो हम लोग जो जिनसे यूजुअली कनेक्ट करते रहते हैं, कभी कभार चैट करते रहते हैं, दे ऑल वर वेरी शॉक्ड कि मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ. कई लोगों को तो बहुत बुरा लग गया कि आप ऐसा रोल कैसे कर सकते हैं, आप कैसे नेगेटिव हो सकते हैं, आप तो भगवान भक्त हो या. पर मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैं एक्टर हूँ और जो जैसा रोल मिलेगा मैं वैसा करूँगा और अच्छी तरह से करना है, तो मैं एक्टर बनना चाहता हूँ बिकॉज़ अगर मैं एंटरटेन कर सकूँ आपको तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है. व्हाट एल्स इज देयर इन द पाइपलाइन ऋषि? आई एम डूइंग, मैं थिएटर करता रहता हूँ. जब से बॉम्बे आया हूँ तब से हमेशा थिएटर ऑन ही रहा है. तो एक नया एक्सपेरिमेंट मैं पहली बार खुद के साथ कर रहा हूँ. मैं एक पंजाबी प्ले कर रहा हूँ, कॉमर्शियल प्ले है. तो बट पंजाबी वैसे मेरी मदर टंग नहीं, फादर टंग है, बट मैंने कभी उसमें काम किया नहीं उस भाषा में. तो आई ट्राई टू कीप टेकिंग चैलेंजेस. मैं जैसे कुछ मैं बंगाली सीख रहा हूँ तो मैं पंजाबी सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे पंजाबी प्ले करना है, मतलब आई एम रिहर्सिंग फॉर इट. हिंदी प्लेज करता रहता हूँ. तो मेरे हिसाब से आई ट्राई टू री इन्वेंट माई सेल्फ. ऐसी कई सारी नई चीज़ें हो रही हैं. आई टेक क्लासेस ऑल्सो, क्लासेस नॉट रेगुलर एक्टिंग क्लासेस, बट आई ट्रेन कॉर्पोरेट पीपल टू ओपन अप. बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो मुझसे बहुत सीनियर होते हैं, उन लोगों की क्लासेस भी मैं लेता हूँ.
For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.